हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन ट्यूब। मैं प्रियंका आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है ब्लॉगइट, जो ओंडरशेयर फिल्मोरा जो है ओंडरशेयर कंपनी है उसने लॉन्च किया है 2018 में और ये बहुत ही अच्छा है। इसको मैं यूज कर रहा हूं। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बहुत ही लाइट वेट है। मतलब आपका जो मोबाइल है, मोबाइल हर मोबाइल डिवाइस पे आप यहां पे काम कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो एडिटिंग का मोबाइल एप्लीकेशन आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन वो सब जो एप्लीकेशन है उसमें आपका जो डिवाइस है, डिवाइस का जो रैम है या प्रोसेसर है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ते हैं और आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो बहुत ही स्लो काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगइट में कैसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और कैसे शेयर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो प्लीज कीप वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट स्किप दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा ऐसे वीडियो को अगर मिस करना नहीं चाहते हैं और मेरे टिप्स ऑन ट्यूब चैनल के साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन में क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर अगर क्लिक नहीं करेंगे तो मेरा अपकमिंग जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे आपको टाइप करना है ब्लॉगइट। तो उसके बाद आपका सामने ब्लॉगइट का जो एप्लीकेशन है वो आपका सामने खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है इसका जो रेटिंग है 4.8 इसका रेटिंग है और ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डेवलप किया है ओंडरशेयर ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉगइट का आपको यहाँ पे पूरा होम पेज आपको दिखाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अगर रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे गेस्ट के हिसाब से आप जा सकते हैं, लेकिन गेस्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो वाटरमार्क आपको यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप गेस्ट के हिसाब से नहीं आते हैं, आप ईमेल के थ्रू आ सकते हैं, यहाँ पे आप फेसबुक के थ्रू आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल के थ्रू जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ईमेल पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सेंड वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको मेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपका मेल पे जो 6 डिजिट का आपको कोड आएगा उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद कन्फर्म करना है यहाँ पे। तो इसको कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ओके कर देंगे, अलाउ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है और लेफ्ट जो टॉप कॉर्नर है यहाँ पे 3 डॉटेड एक सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऊपर में आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे अकाउंट आपको दिखाएगा और यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि फोटो ड्यूरेशन कितना टाइम तक आपको चाहिए और यहाँ पे ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन है, वीडियो रेजोल्यूशन है। तो वीडियो रेजोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो रेजोल्यूशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि HD यहाँ पे मैं सेट किया हूँ। और यहाँ पे अगर चाहते हैं, अगर आप फुल HD करना चाहते हैं तो फुल HD आप कर सकते हैं, या अगर आप लो या मीडियम करना चाहते हैं, आप सोशल नेटवर्क पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आता हूँ यहाँ पे वीडियो बैकग्राउंड का, तो वीडियो बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर और ब्लैक और दोनों ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है, तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, एक है फ्रॉम कैमरा, दूसरा है फ्रॉम लाइब्रेरी। तो अगर आप कैमरा से आप जब भी मतलब डायरेक्टली शूट करना चाहते हैं तो फ्रॉम कैमरा यूज कर सकते हैं, और अगर आप पहले ही शूट करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पे फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए पहले से खींचा हुआ कुछ यहाँ पे वीडियोस है, तो यहाँ पे मैं एक वीडियोस को ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद दूसरा जो एक वीडियो है यहाँ पे ले लेता हूँ उसको। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे फोटो चूज कर सकते हैं, टाइटल चूज कर सकते हैं। टाइटल में आपको कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिया गया है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए टाइटल में आपको 3 आपको ऑप्शन आपको दिया जाते हैं, एक है ओपनर, दूसरा है काउंटडाउन और तीसरा है अदर्स। तो यहाँ पे आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर काउंटडाउन चूज करता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक फ्री टेम्पलेट मेरे को दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा जो वीडियोस है, वीडियोस यहाँ पे चलाया है और यहाँ पे मेरा टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन यहाँ पे चलाया है। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकता हूँ इसको, इसको डिलीट कर सकता हूँ इसमें अगर कोई भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे स्वैप भी कर सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पे ओपनर मेरा पहले है, उसके बाद मेरा वीडियो है सेकंड वाला वीडियो, उसके बाद मेरा थर्ड वीडियो। और यहाँ पे कोई भी वीडियो को आप यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिटिंग में क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट करने का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि ट्रिम है, स्प्लिट है। अगर आप कोई भी जगह पे आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्प्लिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं स्प्लिट कर देता हूँ इसको। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो वीडियो है, वीडियो स्प्लिट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं इसको ट्रिम करना तो यहाँ पे आप ट्रिम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको अगर ड्रैग करके यहाँ पे होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ट्रिम हो जाएगा इसका।
और इसके बाद इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे क्रॉप अगर करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके बाद मैं बैक करता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आपको मेन्यू पे अब बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है। तो अगर आप कोई भी वीडियो के ऊपर अगर टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप टाइटल आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे टैप करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे जो टेक्स्ट आप लिखे हैं तो उसको आप रोटेट कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इसको, और कोई भी जगह पे आप ड्रैग करके आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको स्टाइल आपको मिल जाएगा टाइटल का। तो यहाँ पे कोई भी अगर चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं जैसे कि यहाँ पे अगर चूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे डबल टैप करने से आपका यहाँ पे चला आएगा। तो इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ और इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, तो इसको मैं रख देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कितना टाइम तक आपको मिलेगा, मतलब कितना टाइम तक आपको चाहिए ये। अगर आप इसको पूरा वीडियो तक रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ड्रैग करके इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आता हूँ यहाँ पे स्टिकर का। तो यहाँ पे स्टिकर बहुत सारा स्टिकर आपको दिया गया है, कोई भी स्टिकर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सब्सक्राइब का अगर स्टिकर चूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। और उसके बाद आता हूँ यहाँ पे ऑडियो पे। तो ऑडियो पे मेरे को अगर म्यूजिक चूज करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारा फ्री म्यूजिक मेरे को मिला है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा और ये फ्री आपको मिल जाएगा। तो आप अगर डिवाइस से अगर कोई भी म्यूजिक अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। और अगर आपको इफेक्ट चाहिए कोई भी मतलब म्यूजिक का इफेक्ट, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और यहाँ पे कुछ फ्री आपको दिया गया है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर को आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टिप्स ऑन ट्यूब का मेरा जो लोगो है उसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो इसको सेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद आता हूँ स्पीड पे। तो अगर आपका वीडियो का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है फिल्टर। तो फिल्टर बहुत सारा फिल्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप कोई भी फिल्टर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ऐसा ही कुछ यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो आपका जब भी आपका पूरा वीडियो का एडिटिंग कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है तो उसके बाद आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मेरा वीडियो प्ले होना चालू हो गया है। तो उसके बाद आप यहाँ पे आपका जो थंबनेल है थंबनेल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो का कोई भी सेक्शन को आप लेके आप यहाँ पे क्रिएट ए थंबनेल आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट आप YouTube, Facebook, Twitter, Instagram बहुत सारा आपको जितना सारा सोशल नेटवर्क है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। और मोड पे जाएंगे तो और भी आपको ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, Skype में शेयर कर सकते हैं, या अगर आप Google Drive पे आप सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि Vlogit पे आप कितना अच्छा आप एडिटिंग कर सकते हैं आपका वीडियो को, और आपका वीडियो को बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और आपका टाइम भी बहुत ही बचत हो जाते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।